वेलकम टू speeddining.com, speeddining.in। दोस्तों आज एक स्ट्रेटेजी मैं आपको ऐसी बता रहा हूं जिसमें आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बनाएंगे। आप चेक कर सकते हैं उसको, आज के लाइव मार्केट को जाके चेक कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं मंडे 27 अप्रैल, आप चेक करना तो आपको ऐसे पता लगता है। निफ्टी 50 में आप इक्विटी स्टॉक में जाके देखते हैं और वहां से आप अपनी ओपन लो ओपन हाई स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अब वहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि और बड़े प्रॉफिट्स कमाने हैं तो और बड़े प्रॉफिट्स कहां मिलते हैं? मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। मिड कैप कहां देखे जाते हैं? आप लाइव मार्केट लाइव वॉच में सेकंड नंबर पे इक्विटी स्टॉक है। इक्विटी स्टॉक को ओपन किया, निफ्टी 50 की लिस्ट सामने आई, ऊपर जो व्यू बॉक्स है उसमें क्लिक करो, पॉपअप खुलेगा, सबसे नीचे आपको दिख रहा है मिड कैप 400। मिड कैप 400 की लिस्ट खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा अगर आपकी नेट की स्पीड कम है तो। अब वो जैसे ही लिस्ट खुलती है, हम हमेशा आपको बार बार एक बात कर रहे हैं कि आपके देखने की, आपके ट्रेडिंग स्क्रीन पे मार्केट वॉच बनाने की स्पीड ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो स्पीड बनाने के लिए क्या करेंगे, मिड कैप 400 के जितने भी स्टॉक आपको ऐसे दिखते हैं जो अपने 5200 के हाई लो के करीब हैं, ऐसे 400 में से 50 स्टॉक होंगे उनकी मार्केट वॉच बना के रख लीजिए। अब क्या करेंगे कि आप दिख रहे हैं वहां पे कि अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो ओपन लो चेक करो, निफ्टी नेगेटिव है, बाजार गिरा हुआ है तो ओपन हाई चेक करो। तो ओपन लो एक्यूरेटली सेम आए, जैसे आज की बात करता हूं 27 अप्रैल को हमने देखा और पूरा लिस्ट चेक कर रहे थे तो वहां पे हमको दिखा नवीन फ्लोरिन 1517 रुपए का ओपन था और 1517 रुपए का लो था और 52 हफ्तों के हाई के करीब वो स्टॉक है, इसका मतलब स्ट्रांग है। हमने उसको बाय किया 100 शेयर, 1528 रुपए होगा, 1528 पे बाय कर लिया, छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, देखते हैं थोड़ी देर बाद हमको नजर आता है वो 1540 हो गया, हमने वहां पे अपने 100 में से 30 शेयर बुक कर लिए, फिर और छोड़ दिया 11:30 चेक किया तो 1545 दिख रहा था, 10-15 शेयर वहां पे बेच दिए। मतलब बढ़ते बढ़ते में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब हमको क्या अंदाजा था कि बाजार अगर करेक्ट होगा दिन में तो ये नीचे आ जाएगा और फिर वहां पे वापस हमको एक ट्रेडिंग का मौका मिलेगा, नहीं तो ये इस लेवल पे इतना स्ट्रांग है कि इसकी डिलीवरी भी उठाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर को जब देखते हैं तो वो दिखता है हमको 1645 रुपए, वहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया। आप सोचिए 1530 से लेके 1645, और हमको इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं रखना है वहां पे कि अरे यहीं तक सारे शेयर रखते और बेचते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि इतने समय में हम ये बात तो समझ चुके हैं कि कंट्रोल के साथ जो प्रॉफिट मिल रहा है वही रोज रोज मिलेगा। और ऐसे चांस में तीर और तुक्के में आप जो बात कर रहे हैं कि आज बड़ा ले लिया तो कल पूरा प्रॉफिट जाने वाला है, लॉस होने वाला है, तो कंट्रोल के साथ काम करने में क्या होगा, जो मिला वो आपका अपना बुक्ड प्रॉफिट है, बाकी तो नोशनल है, मिले ना मिले आपको दिख रहा हो भले, ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका होगा। तो क्या देखा हमने, ओपन और लो सेम है और आपने उसकी बाइंग कर ली। ऐसे ही आप नीचे गए, लूजर्स देखे आपने और आपको दिखा ओपन और हाई सेम है तो वो सबसे कमजोर स्टॉक है और एलटीपी लो के करीब है तो उसकी सेलिंग लगा दो कवर ऑर्डर के साथ। कौन से ऑर्डर के साथ? कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? आप स्टॉप लॉस रख लो उसमें 0.3% का, 0.3%, मतलब 1000 रुपए का शेयर है तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस, 100 रुपए का शेयर है तो 30-40 पैसे का स्टॉप लॉस, 500 रुपए का शेयर है तो 1.5-2 रुपए का स्टॉप लॉस, बस इतना कवर ऑर्डर के साथ आप अपना सौदा कर लो। जैसे ही मूवमेंट आता है अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दो। इसमें सबसे अच्छा फायदा क्या है कि उन 400 शेयर में से किसी एक शेयर को चुनना एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर नहीं होते जिनका ओपन लो एक जैसा सेम दिखे और एलटीपी हाई के करीब है, बहुत सारे शेयर नहीं है जिनका ओपन हाई एक जैसा दिखे और एलटीपी लो के करीब हो। देखो इस वीडियो को आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अधूरा सुन के मत करना। वैसे तो हम लोग बात करते हैं जब हमारा पेड वीडियो कोर्स होते हैं, लोग पूछते हैं सर फ्री वीडियो में उसमें क्या फर्क है, उसमें एक एक बारीकी एक्सप्लेन की हुई है। उसमें जब दो वीडियो कोर्स ले रहे हैं तो हम साथ में सपोर्ट भी दे रहे हैं लाइव मार्केट का, तो आपको मालूम पड़ रहा है आज का बाइंग सेलिंग कहां से आ रहा है, दोपहर का बाइंग सेलिंग कहां से आ रहा है, सुबह इस वक्त काम कर रहे हैं, दोपहर में इस वक्त काम कर रहे हैं, धीरे 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 एक महीने के अंदर जो आदमी 2 साल से 30-40 शेयर में उलझा हुआ था उसको 300 शेयर के अच्छे शेयर्स की जानकारी होने लगती है, आदत पड़ जाती है सही टाइम काम करने की, पैसा तो बनेगा ही बनेगा। अच्छी बात यह है कि अभी पिछले महीने में जिन लोगों ने भी
कोर्सेज लिए हैं, 5500 का एक वीडियो कोर्स है, 10,000 के दो वीडियो कोर्स, उन्होंने अपनी फी का कम से कम 2 से 2.5 गुना रिकवर कर लिया। बहुत सारे लोग तो 5-5 गुना वाले हैं, लेकिन उनकी बात हम नहीं कर रहे। सिर्फ 5 से 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह चीजों को देखा नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया, और उनको ना खुद पे भरोसा है ना किसी और पे भरोसा है, इसलिए वो कोशिश नहीं कर पाए। प्रैक्टिस करें तो रिजल्ट ना मिले ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, आपके पास जो जो कोर्सेज है वो चेक कर लें आप। आपके पास इंट्राडे BTST स्विंग ट्रेडिंग है, ये एक ही कोर्स है। निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन अलग से है। फिर आपके पास शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है म्यूचुअल फंड IPO के साथ में, जिसको मिलेनियर कोर्स बोलते हैं। आपके पास कमोडिटी ट्रेडिंग कोर्स है, रियल एस्टेट है, करेंसी कोर्स है, सारे कोर्सेस अवेलेबल है। आप स्टॉक एंड इंडेक्स फ्यूचर का भी अलग से कोर्स है। तो जो भी दो कोर्स का कॉम्बिनेशन लेके शुरुआत करें वो हम सजेस्ट करते हैं, वो आप कर सकते हैं, उसमें बहुत फायदा है। डिस्क्रिप्शन में अब स्टॉक्स की लिंक है, आप स्टॉक का, कमोडिटी का, करेंसी का तीनों का अकाउंट खुलवाइए। धीरे धीरे सब में काम शुरू कीजिए, आपकी 3 दुकान खुल जाएगी और साल के अंत तक आपको पता लगेगा जो कुछ भी पैसा समय आपने लगाया उसका कम से कम 10-20 गुना का रिकवरी और एक नए रास्ते का आपके लिए खुल जाना, ये फायदा आपको होने वाला है। दोस्तों, आपका फीडबैक देते रहिए, कमेंट जरूर कीजिए, आपका अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट जो भी है कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, जो आप बोलेंगे आपका हुकुम सर आंखों पर। थैंक यू वेरी मच, बाय।